देश के प्रतिष्ठित सर्जन रहे डॉक्टर केसी महाजन की याद में राजधानी दिल्ली में पहले वार्षिक व्याख्यान का आयोजन किया गया। ये दो दिवसीय आयोजन सर गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से एसिकॉन सीएमई फाउंडेशन दिल्ली स्टेट चैप्टर के तहत करवाया गया। सर गंगाराम हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर केसी महाजन ने अपने शानदार करियर का ज्यादातर वक्त बिताया और इस देश को अनेक सर्जन दिए। इस कार्यक्रम में देश और राजधानी के कई वरिष्ठ और युवा डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर व्याख्यान देने के लिए पहुंचे मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर नरेश त्रिहान ने डॉक्टर केसी महाजन को याद करते हुए कहा कि वो एक लिविंग लेजेंड शख्सियत थे। जिन्होंने इस देश को अनेक सर्जन दिए हैं, वो एक ऐसे टीचर थे जिनसे सभी प्रेरणा लेते हैं और भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर महाजन का महान योगदान रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर केसी महाजन का परिवार भी इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। देखो, एक ऐसे शख्स होते हैं जो कहते हैं लिविंग लेजेंड, और एक होते हैं जो लिविंग लेजेंड फिर वो लेजेंड ही रहते हैं, मतलब उनकी लाइफ चलती जाती है। सो उन्होंने इतनी कंट्रीब्यूशन करी डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस और टीचिंग में कि आज के दिन भी सैकड़ों उनके ट्रेनीज हैं या जिन्हों को उन्होंने इंस्पायर किया, जैसे मुझे किया, वो आज तक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनकी लेगेसी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे कहें कि एक आदमी ऐसे कभी कभी आते हैं जो कंप्लीट हो, हाईएस्ट प्रोफेशनल एथिक्स, हाईएस्ट प्रोफेशनल स्किल्स एंड देन द डिज़ायर टू गिव ऑफ योरसेल्फ टू टीच पीपल। वो तीनों चीज़ें जो मेडिसिन में हैं, वो एक स्पेशल क्वालिटी है और सब में नहीं होती, वो किसी किसी में होती है, और वो ही वॉज वन ऑफ दोज वेरी स्पेशल पीपल। देन ऑफ कोर्स उनकी पब्लिक सर्विस जो थी वो भी बहुत, मतलब तीन पहले होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के, फैमिली, प्रोफेशन, फैमिली एंड पब्लिक इंटरेक्शन। तो उन्होंने वो तीनों किए। वो सोशल लाइफ भी उनकी अच्छी थी, लोगों से इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, गरीबों की भी हेल्प करी और फैमिली अच्छी, मतलब उनकी जो फैमिली अब भी है, वेरी वेरी नाइस पीपल, वेरी अकम्पलिश्ड, वेरी वेल फोकस्ड। सो इसीलिए ये एक उनके लिए जितनी भी बोली जाए वो कम है, मतलब कि वो कंप्लीट, और हम अपनी तुलना उनसे नहीं कर सकते कि अगर जो हम उनसे कोई उनके आधे भी बन जाएं तो बहुत अकम्पलिशमेंट है। डॉक्टर नरेश त्रिहान ने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर केसी महाजन की याद में किए जा रहे पहले व्याख्यान में उन्हें आमंत्रित किया गया। डॉक्टर त्रिहान ने बताया कि कैसे डॉक्टर केसी महाजन ने उन्हें विदेश से भारत आकर यहां सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बकौल डॉक्टर त्रिहान, डॉक्टर केसी महाजन सच्चे राष्ट्रवादी थे। He lived 90 plus years, but in my estimation, he lived over 200 years, because each day of his had three components. So he lived three lives. It was the professional life, the family life, and the social life. And I had requested that you put up a picture of him. Is it coming? Please, would you put it? Because I remember Kishan in that shape. So he would come. His annual trip to New York. It was first social meetings. Then one day he said to me, I want to spend, he was there for only 5 days or something. He said, I want to spend 4 days out of that with you in the operating room. So he spent the day with me all day, where we used to operate every day, all day. And at the end of it he said, there is no way I want to leave you here. You must come back to India. वहीं पूर्व सांसद और राज्यपाल रहे जगमोहन ने कहा कि डॉक्टर केसी महाजन न सिर्फ एक बेहतरीन सर्जन और टीचर थे, बल्कि राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी कोशिश नई ऊंचाइयों तक गई।
I knew him very well, and he was a great surgeon. Apart from that, he was a great organizer and great builder of new institutions. And he built a lot of work. He did this tremendous work in Gangaram Hospital, not only the construction, not only the management, but the total organization. And today this institution is such a big institution. That, thanks to the person like great contribution made by Dr. Mahajan and his friends. Sir, healthcare mein bahut bada yogdan raha. Haan, bahut bada. He has done extremely well. He has done a wonderful job in training the youngster and building up the total infrastructure for the function. वहीं वरिष्ठ वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर पारिख ने डॉक्टर केसी महाजन के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर महाजन उत्तर भारत में सर्जरी के जनक थे, जिनके मार्गदर्शन में अनेक सर्जन देश में तैयार हुए। डॉक्टर पारिख ने बताया कि कैसे डॉक्टर केसी महाजन ने अपनी दूरदर्शी सोच के चलते उन्हें वैस्कुलर सर्जन बनने में मदद की। मैं डॉक्टर केसी महाजन, जो हमारे गुरु रहे हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, वो एक किस्म से आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया के फादर ऑफ सर्जरी ही माने जाएंगे, क्योंकि उनके साथ काम करने से जो आदमी को सीखने को मिला, जो हम लोगों ने उनको करते हुए देखा और जो उनसे सब हमने सीखा, वो बहुत रेयर चांस है लोगों को मिलता है। मैं एक वैस्कुलर सर्जन हूँ, खून की नसों का ऑपरेशन करता हूँ मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में, लेकिन डॉक्टर साहब ने ही मुझे इस लाइन में 1980 में, जब इस तरह की कोई स्पेशलिटी इंडिया में होती ही नहीं थी, तब डॉक्टर महाजन साहब ने मुझे कहा कि ये स्पेशलिटी तुम ज्वाइन करो, क्योंकि इसी का फ्यूचर है। इतने दूरदर्शी थे वो कि वो इन्हीं चीज़ों के बारे में उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से मेरा संबंध रहा। वो और मेरे फादर साहब जो लाहौर मेडिकल कॉलेज में 1942 में एक साथ पढ़ने गए थे, और उसकी वजह से मुझे ये सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का। इस मौके पर एक अनूठी कोशिश भी की गई। कार्यक्रम में पहुंचे युवा सर्जन के लिए ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया, जहां युवाओं को सर्जरी की जटिलताओं से रूबरू करवाया गया और वहीं पर उन्हें इस पे प्रयोग करने के मौके दिए गए। डॉक्टर केसी महाजन का दिल्ली की सर्जरी में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने दिल्ली में बहुत लोगों को पढ़ाया सिखाया, और जो दिल्ली में जितने भी आज लीडिंग सर्जन्स हैं, उनको डॉक्टर केसी महाजन ने पढ़ाया होगा। तो डॉक्टर केसी महाजन की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो उनके बेस्ट सर्विस हम उनकी याद में कर सकते हैं कि डॉक्टर केसी महाजन को पढ़ाने का बहुत शौक था कि कैसे नॉलेज को सबको दिया जाए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये उनके लिए द लीस्ट जो हम कर सकते हैं कि जो यंग सर्जन्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए कि सेफ सर्जरी कैसे की जाती है। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? अभी स्टूडेंट्स को हम सिखा रहे हैं कि सर्जरी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैसे दो अंगों को जोड़ा जाता है। उसके जोड़ने में बड़ी स्किल चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से स्टिच लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इनको एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े किस्मत वाले हैं कि इनको इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इनको सिखाया जा रहा है कैसे टिश्यूज़ को जोड़ा जाता है, जिसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं, वो कैसे सेफ और अच्छी तरीके से किया जाता है। दो दिन के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन पर डॉक्टर केसी महाजन के बेटे हरीश महाजन ने खुशी जाहिर की और अपने पिता को याद करते हुए बताया कि किस तरह वो लोगों को प्रेरणा देते थे, उनकी सहायता करते थे। उन्होंने पहले कार्यक्रम की कामयाबी पर कहा कि अगले साल कुछ और नए आयाम इसमें जुड़ेंगे। देखिए, उनके बारे में तो आज जितना कहा गया कम था, क्योंकि वो एक जैसे एक सागर थे। उन्होंने हर तरीके की लाइफ में हर चीज़ को अचीव करने की कोशिश की, एज अ गुड फादर, एज अ गुड डॉक्टर, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ टीचर, अ गाइड, अ मेंटर। और हर आदमी को वो अपने बच्चे की तरह, उनकी डिक्शनरी में एक लफ्ज़ नहीं था कि ना कहना,
अगर कोशिश उनने ज़रूर करनी कि वो काम हो जाए, और 99% वो काम करके देते थे, वो उनकी सबसे बड़ी खूबियत थी। चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट काम हो, वो एफर्ट करके वो काम को पूरा करते थे। उन्होंने अपनी सर्जिकल लाइफ में जितने लोगों को हेल्प की, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे ना हो, अगर वो मेरे फादर के पास आते थे तो उनको उसी क्वालिटी की मेडिकेशन और हेल्प मिलती थी जो कि एक पेइंग पेशेंट को मिलती, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। उनके द्वार से कोई निराश होके या ना करा के जाने वाला कोई सवाल ही नहीं था। आज हमने बहुत स्पीकर्स को सुना, जितने को भी सुना ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मोटिवेशन थे सबके लिए। देखिए, उन्होंने हर आदमी को उसके मुश्किल के दौरान कहीं ना कहीं मदद की, कहीं ना कहीं गाइड किया, और वो दिल से, तह दिल से किया। उसमें कोई मैलिस या कोई भावना नहीं थी, उसमें एक ही भावना थी कि मैं इसके लिए अच्छा कैसे करूं। इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने पर आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा ख्याल अगले साल हमारा ये रहेगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो ये स्किल, सर्जिकल स्किल सीखना चाहते हैं, जो कि जिनके पास रकम ना हो, उनके लिए हम कुछ पैसा इकट्ठा करें जिससे कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। और एक तरह से मेरे फादर जो एक बहुत बड़े टीचर थे, उनके सबसे बड़ा पैशन सिखाना था, और उन्होंने कोई नॉलेज अपने साथ नहीं रखी, सबके साथ शेयर की। तभी आज इतने बड़े बड़े लोगों ने उनके लिए जो भी कहा, वो इसी दिल से कहा कि उनको सिखाया गया जो कि वो जानते थे। और उन दिनों ना इतने मशीन थी, ना इतने स्किल्स थे, बट उस आदमी के पास बेसिक स्किल्स थी जो उन्होंने सबको तह दिल से सिखाई, और उससे सबका भला हुआ। और उनका जो रिज़ल्ट था, मेरे ख्याल उससे हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट लाना आज के दिन भी बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर केसी महाजन न सिर्फ एक डॉक्टर थे बल्कि टीचर, मेंटर और अपने आप में एक संस्थान थे। यही वजह है कि उन्हें आज इस तरह याद किया जा रहा है। नई दिल्ली से वरुण गोयल की रिपोर्ट, NH1 न्यूज़।